हैलाइड्स की। दोबारा देखें, हैलाइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन एटम विद द अदर एटम। हैलोजन के किसी दूसरे एटम के साथ जो कंपाउंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हैलाइड्स कहेंगे। हैलाइड्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर आयनिक हैलाइड है, पॉलीमेरिक हैलाइड है, एंड एज वेल एज अगर तीसरी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो दैट इज द, यानी क्या होगा, कोवेलेंट हैलाइड्स। के तीन तरह के हैलाइड्स क्या करते हैं, यूजुअली तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। एक आयनिक हैलाइड, दूसरा कोवेलेंट हैलाइड और तीसरा पॉली, यानी क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी पॉलीमेरिक हैलाइड्स। के इन्हें पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहेंगे। दीज आर सेड टू बी पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब ये हैलाइड्स की टाइप्स हमारे पास है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके लिहाज से प्रॉपर्टीज, इनकी डेफिनेशन और इनके लिहाज से कुछ की पॉइंट्स होंगे वो हम क्या करते हैं इनमें देखते हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं? पहले आयनिक हैलाइड्स। आयनिक हैलाइड्स कैसे बनाते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट यहां पे नोट बना लीजिएगा, वो क्या चीज है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म आयनिक हैलाइड। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमेशा आयनिक हैलाइड बनाएंगे। और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसके बाद सेकेंड होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज बी फॉर्म द, यानी क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। एंड दीज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर सेट टू बी, या ये जब भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इससे जो बनेगा उन्हें क्या कहेंगे, आयनिक हैलाइड्स कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एज आयनिक हैलाइड्स। कहने क्या कहेंगे, आयनिक हैलाइड्स कहेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी, यस सर। यहां तक किसी का कोई, यस सर? नो सर। आयनिक हैलाइड्स कहेंगे। तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स इज सेड टू बी आयनिक हैलाइड्स। के इन्हें क्या कहेंगे, आयनिक हैलाइड्स कहेंगे। इज इट क्लियर? व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, नो सर। जी नो सर। सर व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। किसको व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? मेरे पास स्क्रीन सर क्लियर आ रहा है। नहीं आ रहा सर, मुझे नहीं आ रहा। आप सर क्लियर आ रहा है? आप ऐनक लगवा लो थोड़ी, सर लगी हुई है, डबल कर लो उसको। सर लगी हुई है, ट्रिपल है। अब नजर आ रहा है? यस सर, पहले भी आ रहा है, अब भी आ रहा है। सर आप थोड़ा बड़ा लिखें। सर पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। बड़ा मैं लिखूं? सर नजर नहीं आ रहा सही। अल्लाह पाक तुम लोगों को उठा ले, आमीन। अच्छा जी, अब क्या होगा सर, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑलवेज बी फॉर्म आयनिक हैलाइड। के मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयनिक हैलाइड्स बनाएंगे। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, जिनके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, सोडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और सेकेंड में कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। दीज आर द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट दैट ऑलवेज फॉर्म द आयनिक हैलाइड्स। देन अगर उसके बाद बात करें पॉलीमेरिक हैलाइड, तो दीज आर फॉर्म बाय द लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म, यानी क्या बनाएंगे, पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है, विच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज आर पोजेस बाय, कौन सी तरह की प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, पोजेस करते हैं कौन से एलिमेंट दैट आर द आयनिक हैलाइड्स। के इन्हें आयनिक हैलाइड, के आयनिक हैलाइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं हर एक पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख रहा हूं, क्लियर करके ये आप लोगों ने देखना है। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर पोजेस बाय, कि कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, कौन सी चीजें, यानी आयनिक हैलाइड, आयनिक हैलाइड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हैलोजन इज ग्रेटर। कि इनका हैलोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, अभी हम प्रूफ भी करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। इट मीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ।
BS for bond strength. Electronegativity difference bond strength के direct related है. जितना electronegativity difference बढ़ता जाता है halogen के साथ, उतना bond strength क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. सोचे, जितना bond strength बढ़ती जाएगी, melting point and boiling point क्या होगी? Increase होते जाएंगे. क्या होते जाएंगे? Increase होते जाएंगे. Increase. ये क्या होते हैं? Three dimensional crystal lattice की form में exist करते हैं. Crystal lattice की फॉर्म में क्या करती हैं? लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. अगर प्रॉपर्टी देखी जाए आयन के लाइट की, तो देखे क्या है, हमने कहा ये एलिमेंट यानी ग्रुप से फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट जब भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ, तो हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यानी क्या बनाएंगे, दीज आर द आयनिक हैलाइड. आयनिक हैलाइड्स क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द हैलोजन ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और क्या हो जाएगा, दीज हैलाइड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड के सॉलिड स्टेट के साथ बैड कंडक्टर होंगे. अब कैसे बैड कंडक्टर होंगे, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कौन सी, NaCl की, तो देखिए NaCl, NaCl की अगर एग्जांपल लें तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा, NaCl आयन है. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो दैट इज 3.2 और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए 1.7. अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो ऐसे टाइप के हैलाइड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक हैलाइड्स. और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसके क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं, मैं पूछ लूँ? पूछ ले. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, next हम देखते हैं. चले, मैं इसमें से पूछ लूँ. Yes, sir. अब इन एलिमेंट्स के देखते हैं. अब मैं इसको अलहदा करके पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं का ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं एलिमेंट्स का ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ. Yes, समझेंगे. अगर आपके पास हो, इधर देखिएगा, हैलोजन के साथ फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, सुनेंगे. एक है, आपसे कहता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव high melting and boiling point. Screen. Sir, नजर नहीं आ रही. ओ आ जाएगा नजर, एक मिनट. Screen. Which one of the following have high melting and boiling point? इनमें से किसके melting and boiling point ज्यादा होंगे? एक मिनट सबर कर जाएंगे. मैंने कहा आपको नजर आ जाती है. अब नजर आ गया? Blur. Which one of the following have high melting and boiling point? इनमें से किसके melting और boiling point high होंगे? Option A is, क्या हो जाएगा? Option अगर A देखा जाए, तो that is equal to NaF. NaF. Option B is, अगर B की बात करें तो NaCl. Option C is NaBr. Option D is N, यानी क्या होगा, NaI. हाँ जी, which one? NaF. NaF. हाँ जी, option A. NaF. NaF या NaX? NaF. NaI. हाँ जी, अब आप लोगों को कोई थोड़ा सा समझ लगी हो तो सुनिएगा. मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ आई या नहीं, आप लोगों ने कहा हाँ. मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द हैलोजन एटम देखा जाता है. लिखवाया अभी? यस. कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाता है. मुझे बताएं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, या इसका है? सर, NaF का. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा. समझेंगे? अगर देखिए इनमें सब में एक चीज, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करने का, सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, सुनेंगे और बाद में लिख लीजिएगा. पहले इसको गौर से सुनेंगे. कंसेप्ट है, आपने देखना है साइज ऑफ कैटाइन. कैटाइन का साइज सब में क्या है? सेम.
सेम है, कैटायन का साइज सब में सेम है। अब सोचें अगर कैटायन का साइज सेम है तो किसका साइज ज्यादा होता जा रहा है? Anion का। अब देखिए, अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज। अब मुझे बताएं डिफरेंस क्या होता जाएगा? क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा सोडियम के साथ? ग्रेटेस्ट ज्यादा। क्लोरीन का ज्यादा, उससे कम। ब्रोमीन का उससे कम। आयोडीन का उससे कम। कैसे? अब समझे, 4.0 है क्लोरीन की, यानी फ्लोरीन की, माइनस सोडियम की कितनी है? 1.7। अब क्लोरीन की कितनी है? 3.2। माइनस सोडियम की क्या है? 1.7। अब सोडियम की कितनी, यानी ब्रोमीन की कितनी है? 2.7 माइनस 1.7। अब देखिए आयोडीन की कितनी है? 2.6 माइनस सोडियम की क्या है? 1.7। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए, मुझे बताएंगे इसका कितना आएगा? दैट इज 2.3। इसका कितना आएगा? 1.5। इसका कितना आएगा? दैट इज 1.0। इसका कितना आएगा? 0.9। अब मुझे बताएं किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? NAF में। अब देखिए स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाते हुए, बाज दफा आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, एंड में कहते हैं सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, क्वेश्चन साथ साथ समझा करें कि आयनिकलाइड्स क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद द हैलोजन बनाता है। फिर हमने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मौजूद हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, हैलोजन के साथ इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, फिर मैंने कहा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन ज्यादा होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और आयनिक हैलाइड्स होंगे। अब मुझे बताएं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो मैंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? NAF। NAF have high melting and boiling point. Why? Because the electronegativity difference between difference is more. Greater होगा. Is it clear? Yes sir. Yes sir. अच्छा, statement same है, option change कर रहा हूँ, सुनेंगे? Statement same. अब क्या होगा? LIF. B option is NAF. C option is KF. D option is CSF. Which one of the following have high melting and boiling points? CSF. LIF. CS. CIF. बेटा एक एक बताएगा, एक एक बताएंगे। हाँ जी हमदा। A option. D. सर A option. अच्छा जी, next Zainab. Delta. Zainab आपको पता है electronegativity difference देखना होता है? Yes sir. तो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मुझे बताएं LIF का ज्यादा होगा या CSF का होगा? सर CSF का। CSF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखेंगे अगेन, अगर देखें तो फ्लोरीन सब में कांस्टेंट है। फ्लोरीन क्या है? सब में कांस्टेंट है। अब फ्लोरीन कांस्टेंट है, साइज ऑफ नेगेटिव आयन कांस्टेंट है। मुझे बताएं लिथियम का साइज कम, सोडियम का साइज ज्यादा, पोटेशियम का साइज ज्यादा, सीजियम का साइज उससे ज्यादा। मुझे बताएं कम साइज का कौन सा है? लिथियम। लिथियम। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? लिथियम। लिथियम। लिथियम के फ्लोराइड्स का क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। यस सर। एक अब टू चेंज की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं देखेंगे तब आप, अब आप क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे। क्यों? उसमें कैटाइन कांस्टेंट था, एनाइन का साइज देखा जा रहा था, नेगेटिव आयन का, इसमें एनाइन कांस्टेंट है, कैटाइन का साइज तो नहीं देखेंगे हम, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जब भी मेटल चेंज हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दें, एक बार रिपीट कर दें। देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे उसकी, जब मेटल आएगी चेंज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। इज इट क्लियर? जब हैलोजन चेंज होगा तो साइज ऑफ हैलोजन एटम देखेंगे।
जब मेटल चेंज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे. क्लियर? यस सर. हाँ जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ लिथियम फ्लोराइड किस ज्यादा है? सबसे ज्यादा होगी. ओके सर. अब सुनेंगे, इट मीन फ्लोराइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या हाई क्या होगा, हैलाइड्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड. क्लोराइड हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ द ब्रोमाइड. ब्रोमाइड हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ आयोडाइड. ये फ्लोराइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर क्लोराइड की, फिर क्या होगा ब्रोमाइड की, फिर क्या होगा आयोडाइड की. ये ट्रेंड आपकी बुक में दिया होगा, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से इनसर्कल करके लिख लेना है. इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. क्लियर? यस सर. सर यस सर. हमारे पास आ जाता है पॉलीमेरिक हैलाइड्स. हाँ जी, यहां तक ब्लाइका समझ आ गया आपको? यस सर. समझ आ गया है? यस सर. अलग निकलास बहुत बोलती थी डाउन द. हाँ जी सर. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है ना? आप उसमें इलेक्ट्रो, मैंने आपको मेटल के केस का ये नहीं कहा. मेटल केस का ये, जब चेंज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाती है. लेकिन सर दूसरा जो फैक्टर है, मतलब वैसे ठीक है आपके पास समय लग गया, जब मेटल चेंज होगी तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, लेकिन जैसे सीजनल फ्लोराइड है तो इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है. एक बात अब मेरी सुनना, पहले आपने उसको उलट ही ले ली है. अब मैंने आपको क्या कहा, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की. मैं आपसे मेटल पूछ रहा हूँ, आप फ्लोरीन की तरफ जा रहे हो. लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. स्मॉल साइज एटम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, हम लैटिस एनर्जी को इनमें देखेंगे. पहले हमने लैटिस एनर्जी को नहीं देखा, यहाँ अब क्या देख रहे हैं, लैटिस एनर्जी. जब मेटल चेंज होगी तो लैटिस एनर्जी देखी जाएगी, जब क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल चेंज होगी उस वक्त साइज ऑफ हैलोजन देखा जाएगा. ओके सर, थैंक यू. अब देखिए पॉलीमेरिक हैलाइड, वेलकम. अब पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्या है? पॉलीमेरिक हैलाइड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं. लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑलवेज बी फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड्स के, ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहेंगे. अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? सिर्फ तीन है, बेरिलियम है, गैलियम है और एल्यूमिनियम है. दीज आर द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं. हमारी बुक में ये लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है कि दीज एलिमेंट. अब पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते क्या, डिफाइंड मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा. दोज कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज एक्टिंग एज अ ब्रिज. हैलोजन एटम इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान वो क्या करेगी, ब्रिज के तौर पे काम करेगी. अब यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग बनाएंगे कैसे. अब देखिए हमारे पास है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के हैलाइड्स देखते हैं. एल्यूमिनियम अटैच विद द Cl. एल्यूमिनियम अटैच विद द Cl. अटैच विद द Cl. AlCl3. यहां पे Al उसके साथ तीन Cl लिखे. सेम इसी तरह लिख रहा हूं, Al उसके साथ तीन Cl लिख रहा हूं मैं. AlCl3. ये AlCl, ये तीन मॉलिक्यूल है. अब देखिएगा क्या होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ क्या हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम. अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सेम, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अट्रैक्ट देयर इलेक्ट्रॉन, डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर? अब क्या, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम टुवर्ड इटसेल्फ, डेवलप पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए क्या होगा, क्लोरीन क्या है, अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ with the least force called, यानी क्या कहेंगे, dipole-dipole forces. अब इनके दरमियान forces, अब मुझे बताएं इस aluminium और इस aluminium को कौन जोड़ रहा है?
हेलोजन क्लोरीन क्लोरीन कौन सी चीज जोड़ रही है हेलोजन यानी क्लोरीन क्लोरीन एटम कैन लिंक द वन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्या होगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अनदर एलिमेंट यानी क्लोरीन दोनों लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करा रही है अगर दोनों को ज्वाइन करा रही है तो ये किसके तौर पे एक्ट करेगी ब्रिज के तौर पे किसके तौर पे ब्रिज तो दो एलिमेंट विच इज एक्टिंग के तौर पे बिटवीन द यानी क्या होगा टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दीज एलिमेंट आर सेड टू बी इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे यानी कंपाउंड्स को क्या कहेंगे इंटरमीडिएट हैलाइड और पॉलीमेरिक हैलाइड पॉलीमेरिक कंपाउंड क्लियर Yes, sir. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी इन बिटवीन होती हैं आयनिक और कोवलेंट के समझ आ गई अब कोवलेंट हेड्राइड क्या होती है कोवलेंट हेड्राइड ऑल दोज हेड्राइड यानी इन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज एलिमेंट बिटवीन द एलिमेंट between the element with halogen is less agar in element ka halogen ke sath electronegativity difference less ho jaye electronegative difference kya ho jayega kuch elements ka abhi hum elements dekhte hain kon kon se hain agar un elements ka halogen ke sath jin elements ka halogen ke sath electronegativity difference less hoga वो कोवलेंट बनाएंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो क्या बनाएंगे आयनिक बनाएंगे और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन होगा वो क्या बनाएंगे पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक इज इट क्लियर पॉलीमेरिक यस सर सर अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर पोजेस्ड बाय दीज हैलाइड्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी यानी अब दीज आर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स मोस्टली वोलाटाइल लिक्विड गैसेस दोनों में होते लिक्विड भी होंगे वोलाटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे गैशियस फॉर्म में क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे तीनों फॉर्म के अंदर अब इसके क्या होंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा लेस है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे लो होंगे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट इन थ्री डिमेंशनल फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट इन थ्री डी फॉर्म कि ये थ्री डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे चौथा पॉइंट क्या है यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है ये क्या होंगे इनसॉल्युबल इन वॉटर और लेस सॉल्युबल are fairly soluble in water. So these are the properties of covalent halides. कि ये किसकी प्रॉपर्टी होंगी कोवलेंट हैलाइड क्यों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है यानी कम है अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वोलेटाइल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी इस वजह से वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में इस वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसकी एग्जांपल बुक में दी होगी SnCl4 इज अ कोवलेंट कंपाउंड SnCl4 इज या SiCl4 सॉरी क्या दिया हुआ है Si होगा SiCl4 इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड क्या है बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड द क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिलिकॉन और क्लोरीन का क्या है लेस है The electronegativity difference between the silicon and as well as the chlorine. ये electronegativity difference silicon और chlorine का क्या होगा? Less होगा. इस वजह से क्या होगा? ये किस form में exist करेगा? Exist in a यानी क्या होगा? कि ये liquid compound है और ये liquid की form में क्या करेंगे? Exist करेंगे. अब एक और चीज. ये question क्या होगा? SnCl4 and SnCl2 इसको compare करते हैं. इधर देखेंगे. SnCl2 अब आपसे मैं कहता हूं कौन से कंपोनेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कौन सा कंपोनेंट पोलर ज्यादा है SiCl4 सर हाँ जी Cl2 SiCl4 सर क्यों सर Cl2 का ज्यादा इधर समझेंगे पहले एक और पॉइंट बता दे सुनेंगे
क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर है मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 प्लस 4 यहां पे क्लोरीन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतनी कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी ये बात लिख लीजिएगा जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतनी कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतनी कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगी और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतनी आयनिक नेचर क्या होगी इंक्रीज होगी हाँ जी क्लियर रिपीट कीजिएगा सर जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी अब इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स के अंदर ये मेन पॉइंट है बाकी चाहे आपको आता ना आता हो ये आपने समझना है मेन पॉइंट अब सुनेंगे मेन पॉइंट क्या है पीरियड्स के अंदर देखते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर अब जितना कुछ पढ़ा वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा देखिएगा जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा इसी कंपोनेंट में आ जाएगा अब लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन अब देखें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बाकियों के साथ देख रहे हैं समझेगा आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे बताएं लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन के साथ ज्यादा होगा या बेरिलियम का आपने पढ़ा था व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियड में अब देखें लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है मैं डिफरेंस नहीं कह रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद फ्लोरीन और हैलोजन क्या होगा क्या होगा डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जाएगा डिक्रीज देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है लेकिन फ्लोरीन के साथ डिफरेंस क्या होता जा रहा है डिक्रीज लिथियम का फ्लोरीन के साथ डिफरेंस ज्यादा है बेरिलियम का फ्लोरीन के साथ कम है बोरॉन का और कम है कार्बन का और कम है नाइट्रोजन का और कम है ऑक्सीजन का और कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है इट मीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो कौन से हैलाइड होंगे आयनिक किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है पॉलीमेरिक की तरफ अब पॉलीमेरिक से किसकी तरफ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है किसकी तरफ कोवेलेंट कोवेलेंट हैलाइड की तरफ यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टू राइट इन अ पीरियड हेलो यस सर यस सर When we move from left to right in a period, left to right period में जाएंगे तो यानी character क्या होगा? Ionic से polymeric से किसकी तरफ shift हो जाएगा? Ionic से polymeric से किसकी तरफ shift हो जाएगा? Covalent की तरफ When we move from left to right in a period, क्या होता जाएगा? Electronic difference value decrease and the character is shifted from ionic towards the polymeric and covalent halide. Covalent halide. Is it clear? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है इधर देखिए AlF3 is ionic. ionic and AlI3 is covalent. Why? Sir. हाँ जी AlF3 ionic है और AlI3 क्या है covalent है क्यों शाबाश इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंस ग्रेटर है मोर है सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो आयनिक है जिसमें कम है वो क्या है कोवेलेंट कोवेलेंट यस सर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन मलाइका अब मैंने आपको कहा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा अब अगर टाइम PbCl4 है और PbCl2 है कौन सा आयनिक और कौन सा कोवेलेंट होगा PbCl2 आयनिक PbCl और PbCl4 कोवेलेंट क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट यहां प्लस 2 है इसका प्लस यस 4 इज इट क्लियर यस सर इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इसको याद रखिएगा
ओके जी सर हाँ जी ये जो पीबी वाला है